मीरा बाई चित्तौड़ छोड़ के आती हैं, तो वो जो मेन स्टैचू जो उनके पास कृष्ण भगवान की है, तो वो घानेराव भेजती हैं। ये गाढ़ेराव में बना मुरलीधर जी का मंदिर है। इसमें मुरलीधर जी यानी भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा स्थापित है उसके बारे में दावा है कि यह वह प्रतिमा है जिसकी भक्त शिरोमणि मीराबाई पूजा अर्चना करती थी। तो जानिए इस ऐतिहासिक और प्राचीन प्रतिमा के बारे में और देखिए गाढ़ेरावगढ़ स्थित मुरलीधर जी का मंदिर। सो इन 1558 की बात है, जब मीराबाई चित्तौड़ छोड़ के आती हैं, तो वो जो मेन स्टैचू जो उनके पास कृष्ण भगवान की है, तो वो घानेराव भेजती हैं। तो सिंस देन वो कृष्ण भगवान हमारे पास है, मुरलीधर जी का मंदिर है, और वो जो हमारे जनाने में है, तो जब से भगवान यहाँ विराजे हैं उसके बाद तो सुबह शाम हमारे पूजा व नगार का भी रोज़ सुबह शाम बजता है, और हमारी मुरलीधर जी की वजह से वो हमारे इनफैक्ट अब फैमिली डेटी हम भगवान को ही मानते हैं कि आते हैं जाते हैं, जी पूर्वज तो जी है नहीं, तो अब वही हमारे इष्ट देव तो मुरलीधर जी हैं। और बहुत अच्छी तरह से हमारे जन्माष्टमी और हम लोग सब जो गांव वाले भी बहुत उनका भी बहुत लगाव है मुरलीधर जी से, तो जन्माष्टमी तो यहाँ बहुत बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, जैसे होली भी बहुत अच्छी तरह मनवाते हैं। मीराबाई से हमारा रिश्ता ऐसा है कि मेड़ता से है जी। जैसे क्या है कि मीराबाई और मेरे एंसेस्टर फर्स्ट कजन्स थे, जो अब मीराबाई के पिताजी और मेरे एंसेस्टर प्रताप सिंह जी की जो पिताजी थे वो दोनों भाई थे। फिर मीराबाई क्या है कि उनका फिर ब्याह मेवाड़ वहाँ पे महाराणा भोजराज जी से हो गया था, और तो उसके बाद में वो जब पूजा पाठ में ही रहते थे। फिर जैसे क्या कहानी जो अपने यहाँ पे जो अपने मीराबाई की मूर्ति की है, क्योंकि जो मेरे एंसेस्टर उनके भाई थे तो वो जब वृंदावन और पधार रहे थे तो फिर उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे भिजवाई थी। तो वो अपने मतलब जो मीराबाई जिसकी पूजा करती थी उनके हमें जो चित्तौड़ में, चित्तौड़ में जो पूजा करती जी थी, हाँ चित्तौड़ में जो पूजा करते थे जो मीराबाई उनके वो साथ हमेशा रहे रहती हैं थी। हाँ हाँ मुरलीधर हाँ जी, वो उन्होंने बिल्कुल। फिर ब्राह्मण के हाथ यहाँ पे भिजवाई थी हमारे मेरे एंसेस्टर को, क्योंकि मेरे एंसेस्टर उनके भाई थे उस हिसाब से भिजवाई। तो वो वहाँ में जो भी है, तो इसकी दो तीन और वर्जन्स हैं कि अलग अलग दो तीन जगह की वहाँ पर भी हैं उनकी, बट वो मैं इतना डिटेल मालूम नहीं। मेरे को ये है कि हमारे क्योंकि भाई बहन थे तो उस हिसाब से यहाँ पर भी उन्होंने भिजवाई थी, वो ब्राह्मण के हाथ भिजवाई थी। जो ब्राह्मण का क्या है कि राजसमंद के वहाँ उसका पैर फिसल गया था और वो क्या नीचे गिर गया था, उस हिसाब से थोड़ा सा वो मूर्ति फिर क्या है कि थोड़ी सी खंडित हो गई थी। मूर्ति के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है मेरा। तो फिर लाके फिर हमने यहाँ पर स्थापना कराई, पूजा पाठ पूरा कर कर आके उस दिन से यहाँ पे वो एज एन इष्ट देवता है हमारे। तो वहाँ पे मुरलीधर जी हम बोलते हैं, जैसे ठिकाने हमारे जब जागीर थे उस पर भी जो लिखते भी होते थे तो ऊपर राम जी है या हाँ, मुरलीधर जी है ये लिख के लिखते। ये कृष्ण भगवान को जलजूलनी 11 पे कृष्ण भगवान यहाँ पधारते हैं बावड़ी में स्नान करने के लिए जलजूलनी में, तो उस टाइम ये काम आता है, तो साल में एक दफा ये नीचे जाता है और फिर इस पे सब लोग रेवाड़ी लेके जाते निकलती हैं, है जी, रेवाड़ी निकालते हैं जिसमें भगवान इसके अंदर पधारते हैं बिराजते हैं और फिर और इनको गांव में स्नान के लिए घुमाते हैं। पधारते हैं। मुरलीधर जी तो हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत होता है, सब दर्शन भी के लिए भी बहुत पधारते हैं, और जब से भगवान का हमारे जैसे एंसेस्टर्स के, हम जैसे सेनोटैप्स हैं, हमारे क्षत्रिय हैं, वो भी हमारे 400-500 साल से हमारी क्षत्रियों का भी पूरा हम लोग लुक आफ्टर भी करते हैं। भाई दाता 3-4 महीने पहले ही हम लोगों ने सारी क्षत्रिय दाता, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की भी सबकी बन गई, और वैसे ही सब मंदिरों की भी बहुत देखभाल, हमारे कुल देवी तो नागनीचा माता है, और यहाँ इष्ट देव हमारे कृष्ण भगवान है मुरलीधर जी की। सो उसी लोग बहुत कहते हैं कि नहीं कैसे हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नहीं चित्तौड़ में भी है मीराबाई का, तो कोई कहेंगे उदयपुर में भी है, लेकिन वो तो अब सबकी फेथ की बात है। मुझे मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे ही मुरलीधर जी मीराबाई के थे, बिकॉज़ एक एक बहुत हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मतलब भगवान ने बहुत कुछ मुझे हमें दिखाया भी है, तो मुझे तो बहुत विश्वास है मेरे मुरलीधर जी।